हमारा टॉपिक आज का बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो था वो रिप्रेजेंट किन्होंने किया, रॉबर्ट बॉयल। ईयर बेटे 16 एंड अब बेटे रॉबर्ट बॉयल एक नेचुरलिस्ट भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, केमिस्ट भी थे और एक इन्वेंटर भी थे। मतलब बहुत सारी इन्वेंशन जो हैं वो इनके जुम्मे आती हैं, और एक फिलोसोफर भी थे। अब बेटे रॉबर्ट बॉयल जो थे, इन्होंने देखा रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटे, कि अगर टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए तो गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या ताल्लुक मौजूद होगा। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कंटेनर है जिसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और अंदर इसके गैस जो है वो मौजूद है। इसका वॉल्यूम जो है V1, इसके अंदर मौजूद गैस जो है V1 कितना, 1 decimeter cube। प्रेशर कितना, 2 atmosphere। अब बेटे जैसे ही हम इसका प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे, हम P2 कर देते हैं 4 atmosphere, तो हमारे पास ये जो V2 होगा, वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, 0.5 decimeter cube। अब अगर हम इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं सिक्स एटमॉस्फेरिक, तो हमारे पास वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा 0.33 decimeter cube। और अगर हम प्रेशर इसका मजीद बढ़ा देते हैं 4 atmosphere का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, मजीद कम हो जाएगा। P4 हमारे पास आ गया 8 atmospheric और हमारे पास V4 जो है वो आ गया 0.25 decimeter। अब ये क्या बेटे रिलेशनशिप हमें नज़र आ रहा है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब और उसी रिलेशन से काम हो रहा है जिस रिलेशन से हम उस पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब इनका टेम्परेचर जो है ये भी एट 25 degree centigrade है, इसका टेम्परेचर भी 25, इसका टेम्परेचर भी 25, इसका टेम्परेचर भी 25। टेम्परेचर जो है उसको हमने कांस्टेंट रखा, उसको हमने चेंज नहीं किया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें प्रूव करता है प्रेशर इफ वी इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस। गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट स्पेसिफिक क्या रहेगा,
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां जन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टरलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तरद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डिक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहर मोहम्मद नई, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख जैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकेंड टू नन, टॉप क्लास। ये हमारी फाइंडिंग है इसके मतलब। अब इसको अगर हम डिफाइन करें, वॉल्यूम ऑफ अ गैस is inversely proportional to the pressure applied at constant temperature. कि इस हम रिलेशनशिप को प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हैं कि जैसे जैसे हम उनका प्रेशर चेंज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, लेकिन हमने साथ एक चीज़ को मुस्तकिल रखना है, वो क्या रखना है, टेम्परेचर जो है। अगर बेटे इसकी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो पी और वी के दरमियान हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते, वन ओवर पी ना होते, तो हमारे पास प्रोपोर्शन साइन के बाद पी डायरेक्टली आना था, वन ओवर पी नहीं आना था। अच्छा जी, अब बेटे वी हमने इक्वालिटी साइन लाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, के ओवर पी। अब इसी इक्वेशन को अगर हम देखें, पी वी इज इक्वल टू के। अब ये भी हमें एक नई चीज़ बता रही है, वो क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, हासिल ज़रब होता है, वो किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की
रू से पी वी इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर अगर हमारे पास किसी का ये इनिशियल प्रेशर है, ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, चेंज करने के बाद ये हमारे पास इनिशियल फाइनल प्रेशर है और ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। मतलब चेंज से पहले और चेंज के बाद वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर क्या होगा। वो कहते हैं सपोज हमारे पास इनिशियली पी वन प्रेशर है, इसको हमने क्या नाम दिया बेटे, इनिशियल प्रेशर। वी वन हमारे पास तब ये क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम। हमने प्रेशर पी वन से चेंज करके पी टू कर दिया, तो अब ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल प्रेशर। तो तब बेटे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम। अब बेटे इन्हीं के रू से अगर हमारे पास P1 और V1 है तो ये बराबर होंगे किसके, P2 V2 के। मतलब इनका आंसर जो है वो एक दूसरे के बराबर आएगा। वो कैसे आएगा, ये हमारे पास सपोज कंडीशन है। इस कंडीशन में हमारे पास P1 कितना है बेटे, P1 टू एटमॉस्फेरिक, और हमारे पास V1 कितना है, वन डेसीमीटर क्यूब। अब इसी रू से P1 इंटू V1 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट के, कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। मतलब ये हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, टू इंटू वन प्रेशर का इनपुट की वैल्यू वॉल्यूम की इनपुट की, ये किसके बराबर आया, वन के, और सॉरी टू के। हम इसको एक ही लाइन में करते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू टू इंटू वन, ये आंसर किसके बराबर आया बेटे, टू के बराबर आ गया। अब इसको लेते हैं हम, हमारे पास P2 इंटू V2 इज इक्वल टू, अब P2 कितना हो गया, फोर एटमॉस्फेरिक, जबकि V2 हमारे पास कितना है, 0.5। अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, टू। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, P3 इंटू V3 इज इक्वल टू, P3 कितना बेटे, 6 एटमॉस्फेरिक, 0.33, और आंसर क्या आएगा हमारे पास, टू। आगे आ जाओ, P4 इंटू V4, अब P4 कितना है, 8 एटमॉस्फेरिक, और हमारे पास V4 कितना, 0.25, आंसर कितना आया। अब एक ही सिस्टम के लिए, एक ही सिस्टम के लिए, अब यहाँ से आपने दो चीज़ें सीखनी है, गैस भी सेम है, कंटेनर भी सेम है, हमारा टेम्परेचर भी सेम है, हम उसी सिस्टम पे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारा प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम भी उसी लिहाज से चेंज हो रहा है, जिस वजह से इन इस सिस्टम का आंसर जैसे भी हम प्रेशर चेंज करते रहेंगे वो सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। हम ये तजर्बा हरगिज़ ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें हम नाइट्रोजन डाल लें, इसमें हम हाइड्रोजन डाल लें, इसमें हम क्लोरीन डाल लें और फिर कहें कि हमारा P1, P2, P3 वो हम जब चेंज करेंगे तो हमारा आंसर कांस्टेंट आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कंटेनर सेम, गैस सेम, टेम्परेचर सेम। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर जब हम इस पर, अब ये दो बातें हो चुकी हमारी, फिर जब हम उस पर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम उसी लिहाज से कम हो रहा है। उस सिस्टम का जो आंसर है वो हमेशा एक जैसा आएगा या कांस्टेंट आएगा, वो चेंज नहीं होगा।
ठीक है, दिस इज़ बॉयल्स लॉ। अब इसको ज़रा रिफाइन में कर देता हूँ कि सबसे पहले बेटे इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने देखनी है। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड वाइस वर्सा। ये जो बात हम कह रहे हैं कि का वॉल्यूम जो है वो कम होता है विद द इंक्रीज इन प्रेशर और वाइस वर्सा, या बिल्कुल इसके उलट, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, वो उसके एक दूसरे के ये उलट है। या हम उसको कह लें कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, अब बेटे इसकी हमारे पास मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब अगर हम इक्वालिटी साइन इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके, तो हमें एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और के इज़ अ हमारा कांस्टेंट। अब अगर कांस्टेंट को एक साइड पे और वेरिएबल्स हम एक साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है उसकी क्या सूरत हाल होगी, पी वी इज इक्वल टू के। अब बेटे वो बात करता है कि अगर हमारे पास किसी गैस का इनिशियल प्रेशर जो है वो पी वन है, तब उसका इनिशियल वॉल्यूम वी वन होगा। हम उसका प्रेशर चेंज कर देते हैं, वो हमारा प्रेशर पी टू हो जाएगा, जबकि तब उसका जो वॉल्यूम होगा वो वी टू हो जाएगा। अब अगर इन दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन या हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे या पे ऐसे इस सिस्टम के लिए पी वन इंटू वी वन इज इक्वल टू के हमारा कांस्टेंट, इस सिस्टम के लिए पी टू इंटू वी टू इज इक्वल टू के। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ये तब है जब पी वन है, ये इक्वेशन तब है जब वो पी टू है। अच्छा, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, और कंपैरिजन हमेशा किन चीज़ों के दरमियान होता है, जो मुख्तलिफ होती हैं, जो वेरिएबल होती हैं, कॉन्स्टेंट चीज़ों के दरमियान तो कंपेरिजन नहीं होता, तो इसलिए ये के नहीं आएगा। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू तो हमारे पास जो नई रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो ये होगी, पी वन इंटू वी वन इज इक्वल टू पी टू इंटू वी टू। अब उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो कैसे प्रोवाइड किया कि एक सिलेंडर में गैस ले ली गई, तब उसके ऊपर प्रेशर जो था वो 2 एटमॉस्फेरिक था, तब उसका वॉल्यूम जो था वो 1 डेसीमीटर क्यूब था, हमने उसका प्रेशर बढ़ाकर 4 एटमॉस्फेरिक कर दिया, तब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 0.25 डेसीमीटर क्यूब। फिर हमने उसका प्रेशर जो था वो 6 एटमॉस्फेरिक कर दिया, तब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 0.33 डेसीमीटर क्यूब। हमने फिर उसका प्रेशर जो था वो P4 8 एटमॉस्फेरिक कर दिया, तब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 0.25। लेकिन हमने कांस्टेंट क्या रखा, टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा इस सिस्टम का। अब इससे एक बात तो हमें पता चल गई कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन जो साथ ही हम बात कर रहे हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है फॉर अ स्पेसिफिक सिस्टम इट रिमेन सेम, उसका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। हमने क्या किया, हमने उनकी वैल्यूज पुट करके हमने इस फिनोमेना को प्रूव किया, पी वन 2 एटमॉस्फेरिक, वी वन 1 डेसीमीटर क्यूब। हमने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनपुट किया, हमारे पास आंसर आ गया 2। हमने दूसरे प्रेशर अप्लाइड के लिए पी टू के लिए जब इसी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2। पी थ्री जब हमने कर दिया तब उसके लिए हमने इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया तो क्या आया, 2। जब हमने पी फोर के लिए किया तो 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस स्पेसिफिक सिस्टम के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर
जितना भी हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन देख रहे हैं या हासिले ज़रब उसका देख रहे हैं, उसका जवाब एक ही आएगा या कांस्टेंट आएगा। ठीक हो गया।